हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है फ्रंट लोड कैटेगरी से रिलेटेड। आज मैं बात करूंगा बॉश के न्यूली लॉन्च एक्टिव ऑक्सीजन वॉशिंग मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर आपको वॉशिंग के साथ साथ कपड़ों को रिफ्रेशमेंट करने का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब कपड़ों को रिफ्रेशमेंट करने का क्यों नीड हुआ? सपोज आपके पास कोई पार्टी वेयर क्लॉथ्स हैं, आप किसी पार्टी में गए, आपने कुछ घंटों के लिए वो कपड़ा पहना है। अब बेसिकली वो कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, सिर्फ आपने बॉडी पे पहना है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर बॉडी का ऑडर रहेगा या उसमें बैक्टीरिया वगैरह डिपॉजिट रहेगा। अब उसको क्लीन करने के लिए या तो आपको कपड़ा वॉश करना पड़ेगा या आपको ड्राई क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन कपड़ा गंदा नहीं हुआ है तो आप जितना ज़्यादा कपड़ों को वॉश करेंगे तो फैब्रिक का लाइफ भी उतना कम होता रहता है। तो उन सारे कपड़ों को आप इसके अंदर रिफ्रेश कर सकते हैं विदाउट वॉशिंग। दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो सॉफ्ट टॉयज से खेल रहे हैं। अब बच्चा जब छोटे खिलौने से सॉफ्ट टॉयज से जब खेलता है तो बच्चा चारों तरफ पूरे कमरों में हर जगह जाता है, वो उसका टॉयज भी सब जगह सारी सरफेस के ऊपर लगता है। अब उसके अंदर स्मेल भी रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। अब सारे टॉयज को आप फ्रिक्वेंटली वॉश भी नहीं कर सकते हैं और सारे कुछ टॉयज ऐसे भी होते हैं जिनको वॉश करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उन सारे टॉयज को भी आप इस मशीन के थ्रू रिफ्रेश कर सकते हैं, उनका ऑर्डर रिमूव कर सकते हैं, उनका बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन लाइक जो नॉन वॉशेबल फैब्रिक होते हैं, जैसे आपका पिल्लो हो गया, जैकेट्स हो गया, जिनको हम लोग वॉश नहीं कर सकते, बट अगेन हम लोग पहनते हैं तो बॉडी का ऑर्डर उसके अंदर रहता है और उसको रिमूव करने के लिए हमको उसको रिफ्रेशमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो इस मशीन के थ्रू आप उन सारे चीज़ों को, सारे कपड़ों को आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में आगे बताऊंगा एक्टिव ऑक्सीजन के बारे में। तो एक्टिव ऑक्सीजन के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं इस वॉशिंग मशीन के ओवरव्यू के बारे में। सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल आता है 9 kg के अंदर। इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो WAU28Q9SIN इसका मॉडल नंबर है। इसकी फिनिश की बात करें तो सिल्वर आइनॉक्स फिनिश के अंदर आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। इस मॉडल की RPM स्पीड की बात करूँ तो 1400 RPM का स्पीड इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर जो नेट वेट आपको मशीन का देखने को मिलेगा वो 73 का देखने को मिलेगा। नॉइस लेवल की बात करें तो 47 dB साउंड इसके अंदर रहता है, तो काफ़ी साइलेंट वॉशिंग मशीन है। एंड जो इसके अंदर हीटर लगा हुआ है उसके अगर मैं कनेक्शन रेटिंग की बात करूँ तो 2300 W का इसके अंदर आपको हीटर देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के ड्रम के वॉल्यूम की। जनरली बॉश की मशीन में आपने देखा होगा कि इसका ड्रम का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो टोटल 63 L का इसके अंदर आपको ड्रम का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। एंड बात करते हैं इसकी MRP की, तो इस प्रोडक्ट की जो MRP है वो 70,890 का इसका MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट नंबर्स आपको दे दूंगा, आप जाके कॉल करके आप ये प्रोडक्ट चाहो तो परचेस कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन जाके भी आप इस मॉडल को ट्राई कर सकते हो। हम बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलता है इसमें एक्टिव ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम मिलता है आपके कपड़ों के लिए विदाउट वाटर, विदाउट डिटर्जेंट एंड विदाउट टेम्परेचर। जी हाँ, 99.99% बैक्टीरिया फ्री आपको क्लॉथ्स मिलेंगे जस्ट 45 मिनट्स के अंदर। एंड ये सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड है WFK के द्वारा और ये सुटेबल है आपके मोस्ट डेलिकेट गारमेंट्स से इवन नॉन वॉशेबल फैब्रिक विदाउट डैमेजिंग देम, जस्ट लाइक आपका जैकेट्स हो गया, पिलो हो गया, सॉफ्ट टाइज हो गया, उन सारा फैब्रिक को आप इसके अंदर इजीली रिफ्रेश कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो स्पीड परफेक्ट का इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है,
बेसिकली इस फीचर को एक्टिवेट करते ही जो भी आपका टाइमिंग रहता है प्रोग्राम का वो 65% तक रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखिए कॉटन का प्रोग्राम आप चूज़ किया हुआ है, जैसे इसके अंदर मैं स्पीड को एक्टिवेट करता हूँ तो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटा 29 मिनट का जाएगा। तो 65% जो टाइम है इसने रिड्यूस करा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वॉशिंग रिजल्ट्स। देन थर्ड फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक्टिव वाटर प्लस का, प्रेशर एंड वाटर सेंसर मेजर करता है वॉशिंग के लोड को एंड एडजस्ट करता है कि कितना वाटर उसको उसके ड्रम के अंदर इनटेक करना है। तो बेसिकली इसके अंदर जितना भी वाटर लेवल्स हैं वो 256 प्रिसाइज वाटर लेवल्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैब्रिक टाइप, आपका फैब्रिक कितना थिन है कितना थिक है, तो फैब्रिक के टाइप के हिसाब से ये वॉशिंग मशीन पानी लेती है, जिससे क्या है कि यहाँ पर ये वाटर सेविंग का फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो एक्टिव वाटर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन फोर्थ फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वेरियो ड्रम का, बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर जो आप ड्रम देखेंगे तो आपको वेव ड्रॉपलेट डिज़ाइन के साथ आपको ड्रम देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से जो इसके अंदर जो स्क्रबिंग है और जो वॉशिंग का क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड जो इसका ड्रम के ऊपर जो पैडल्स होते हैं जो लिफ्टर्स होते हैं उसका साइज़ भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा आपको, जो कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से रोटेट कराता है लिफ्ट कराता है। तो बेसिकली ऑप्टिमम वॉशिंग रिजल्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देन फिफ्थ फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइंस, बॉश की मशीन में आप देखेंगे तो उसके साइड पैनल्स के अंदर जो आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल्स देखने को मिलेंगे, जिसके हेल्प से क्या होता है कि वाइब्रेशन और रिड्यूस हो जाती है और उसका स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। वॉशिंग एंड स्पिनिंग के दौरान आप देखेंगे तो मशीन बिल्कुल क्वाइटर वर्क करेगा और बिल्कुल भी आपका वाइब्रेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। एंड जो उस मशीन के अंदर जो ड्रम लगा होता है उस ड्रम की अगर मैं बात करूँ उसके शॉकर एंड सस्पेंशन की, तीन शॉकर एंड तीन सस्पेंशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि मशीन का स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। देन सिक्स फीचर आपको देखने को मिलता है इसमें फॉर्म डिटेक्शन का, बॉश की मशीन में क्या है कि सपोज़ आपसे अगर गलती से सर्फ थोड़ा सा अगर ज़्यादा चला जाता है तो जब ये मशीन फाइनल रिंसिंग मोड पे जाता है कि फॉर्म सेंसर चेक करता है अंदर झाग तो नहीं है अंदर फॉर्म तो नहीं है, अगर उसको फॉर्म मिलता है तो वो और वाटर लेके एक्सेस फॉर्म को रिमूव कर देता है और आपको और ज़्यादा हाइजीनिक वॉशिंग रिजल्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले इंडिकेटर्स के बारे में, तो इसके डिस्प्ले में अगर आप ध्यान देंगे ये स्टार करके मेमोरी का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो जो भी सेटिंग्स इसके अंदर आपने की हुई है लास्ट सेव आप किस हेल्प से आप वो वाली सेटिंग्स के हिसाब से आप अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। देन नॉर्मल सेटिंग्स का इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है, तो अपने सेटिंग्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साइलेंट वॉश को आप एक्टिव एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका मशीन अगर आपको नाइट में वॉश करना है और आप बिल्कुल साइलेंट तरीके से मशीन वर्क करे तो इसको फीचर को आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन रिंस होल्ड का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, आप चाहते हैं कि आपका वाटर ना बाहर निकले रिंस आपने अभी नहीं करना है रिंस को होल्ड करना है तो रिंस को भी आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। देन इजी आयरन का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर आप सपोज आपने प्रीमियम क्लॉथ्स इसके अंदर वॉश कर रहे हैं जिनको आपको बाद में आयरन भी करना है तो इजी आयरन का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो रिंकल्स है 50% कम देखने को मिलेंगे तो आपको आयरन करने में उसमें ईजी रहेगा। देन हम बात कर लेते हैं इस मशीन के अंदर आपको टोटल चार टाइप्स के स्टेन्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला आपको मिलता है ऑयल का, तो जितने भी ऑयल के जो स्टेन्स होते हैं वो आप इजीली इस मशीन के अंदर रिमूव कर सकते हैं, इसी हिसाब से आप अपने ब्लड के स्टेन को भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, वाइन के भी स्टेन को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं एंड ग्रास, टोटल चार तरीके के आपको स्टेन मिलते हैं। तो ये स्टेन को डिटेक्ट करती है उसको वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देन हम बात करते हैं इसके प्री वॉश की, आप चाहते हैं कि आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप चाहो तो इसके अंदर प्री वॉश को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, तो प्री वॉश की कमांड देने के बाद आपको जो इसके लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट है उसके अंदर आपको इसका डिटर्जेंट फिल करना होगा, देन आप प्री वॉश इसके अंदर मशीन में ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 4 से 5 कपड़ा है और आपको उन्हें रिफ्रेश करना है तो आपको एक्टिव ऑक्सीजन का प्रोग्राम आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है, 45 मिनट्स का ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपका मशीन के अंदर जितना भी बैड ऑडर है और जितना भी बैक्टीरिया है आपके कपड़ों में वो सारा ये प्रॉपर तरीके से क्लीन मिलेगा और आपको हाइजीनिक क्लॉथ्स आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रोग्राम को आप सेपरेटली इसमें चला सकते हैं।
देन हम बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन के वॉशिंग प्रोग्राम की। तो कॉटन का प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जितना भी कॉटन का क्लॉथ है आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। टोटल 9 kg तक का कैपेसिटी आप इसमें वॉश कर सकते हैं। 3 घंटा 28 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग मिलता है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर प्रोग्राम मिलता है कॉटन लेवल 60 डिग्री का। कॉटन का वो कपड़ा जिसका लेंथ बड़ा है, जिसका लेंथ काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, लाइक कर्टन्स हो गया, बेडशीट हो गई, सोफ़ा कवर हो गया, वो वाला कपड़ा आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। तो 60 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर फिक्स रहता है एंड 4 घंटा 24 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। कॉटन इको को प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका 40 डिग्री टेम्परेचर में वॉश करता है। ये कॉटन का ही इकोनॉमिकल वर्जन है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर पावर सेव करना, तो आप कॉटन वाले प्रोग्राम को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको प्रोग्राम मिलता है सिंथेटिक का। 40 डिग्री का टेम्परेचर इसमें आप तो वॉश कर सकते हैं। टोटल 4 किलो तक का लोड आप इसमें वॉश कर सकते हैं। तो 2 घंटा 29 मिनट का टोटल इसका टाइमिंग रहता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें मिक्स लोड का। 4 kg तक का लोड आप इसमें वॉश कर सकते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में एंड 46 मिनट्स का टोटल इसका टाइमिंग रहता है। देन हम बात करते हैं इसमें डेलिकेट्स की। तो डेलिकेट्स के अंदर आप इसमें 2 किलो तक का कपड़ा आप इसमें वॉश कर सकते हैं एंड 39 मिनट्स का इसके अंदर आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा। देन वूल का प्रोग्राम इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपका 2 kg तक का क्लॉथ आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें रिंस का। रिंस कर सकते हैं अगर आप कपड़ा लाइक आपने बाहर हैंड वॉश कर लिया है, सिर्फ मशीन के अंदर आप रिंस करना चाहते हैं, तो इस वाले प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने रिंस भी बाहर कर लिया, वॉश भी बाहर कर लिया, सिर्फ कपड़ों को सुखाना है और इसको स्पिन कराना है, तो स्पिन भी आप इसमें करा सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ड्रम डिस्केल का। जो महीने में एक बार ये प्रोग्राम आपको रन करना होता है, खाली मशीन इसमें वॉश होती है तो प्रॉपर तरीके से जो ड्रम होता है इसका क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें स्पोर्ट्स वेयर का। तो जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड फैब्रिक है आप इसमें वॉश कर सकते हैं। टोटल 2 kg तक का लोड आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें शर्ट्स का। शर्ट्स का प्रोग्राम मिलता है, तो जितने भी आपकी बिजनेस शर्ट्स हैं वो आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। टोटल 2 kg तक का कैपेसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 40 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 घंटा 6 मिनट का ये टोटल इसका टाइमिंग रहता है। देन क्विक 30 एंड क्विक 15 मिनट का प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो टोटल 2 kg तक का लोड आप इसमें वॉश कर सकते हैं 15 मिनट्स के अंदर। और इसके अगर मैं स्पीड परफेक्ट को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, तो आपको टोटल 30 मिनट का टाइमिंग रहता है एंड 4 किलो तक का कपड़ा आप इसमें लोड कर सकते हैं। देन फाइनल आपको जो पहला प्रोग्राम हमारा था रिफ्रेश एक्टिव ऑक्सीजन का, जिसमें ये मशीन एटमॉस्फेरिक एयर को ओजोन में कन्वर्ट करके आपके कपड़ों में से ऑर्डर रिमूव करती है, उनको रिफ्रेश करती है एंड 99.99% जो बैक्टीरिया एंड जर्म्स है उसको किल कर देती है। देन लास्ट में बात करते हैं इस प्रोडक्ट की वारंटी एंड सर्विसेज की। तो टोटल 3 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मशीन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड जो उसका BLDC मोटर है उसके ऊपर आपको टोटल 12 ईयर का वारंटी आपको देखने को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के और प्रोडक्ट मैं आप इन फ्यूचर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड लक।